समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बार के चुनाव यानी कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन खबर अभी यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी आजमगढ़ से सांसद हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के खेमे से, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से सांसद हैं और इस बार वो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, विजय रथ यात्रा निकाल रहे थे जब तक कोविड प्रोटोकॉल नहीं लागू हुआ था। इस बीच हमने ये भी देखा कि कई बीजेपी विधायकों को उन्होंने शामिल किया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य बेहद अहम, लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव की नजर विधानसभा सीट पर है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। पहली बार होगा जब विधानसभा चुनाव अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं। अभी आजमगढ़ से सांसद है, लगातार लोकसभा चुनाव ही उन्होंने लड़ा है, लेकिन इस बार क्या विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से अभी यही खबर आ रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दरअसल उस दिन की है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद एक करके एक हमने देखा कि कैसे सिलसिला चल पड़ा था बीजेपी के विधायकों का समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का। तो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए और 400 सीटों का दावा अखिलेश यादव ने कई बार सार्वजनिक मंच पर किया है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर अपनी आप लोकसभा सदस्यता छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्या जानकारी मिल रही है, किस सीट से लड़ सकते हैं, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए बिल्कुल कहना कि जिस तरीके से अब नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक एक करके खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान हो चुका है कि वो अब जो है चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर शहर सीट से। अयोध्या को लेकर के कवायद थी लेकिन एंड मौके पर वो सीट बदल लेते हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ हो सकती है वो जगह, या उसके अलावा पूर्वांचल की किसी सीट से अखिलेश यादव ताल ठोक सकते हैं। लगातार इसको लेकर के अखिलेश यादव से जब भी सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को कहा है कि ये पार्टी तय करेगी और अगर जरूरत होगी तो वो चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि आगे के चरणों में पहला और दूसरा चरण जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर है, तीसरा चौथा पांचवें चरण में अवध से होते हुए जो चुनाव है वो पूर्वांचल की तरफ जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आजमगढ़, कन्नौज या फिर किसी अपने गढ़ से ही अखिलेश यादव इस चुनाव में सामने आ सकते हैं। लेकिन ये बात तय नजर आती है कि अब एक एक करके जिस तरीके से तमाम नेता चुनावी मैदान में है, खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री सिराथू से मैदान में है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी जरूरी हो गया था कि मैदान में उतर के विपक्षों का जवाब दिया जाए, इसीलिए चुनाव लड़ने की कवायद यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए बेहद अहम जानकारी यहाँ पर अभिषेक मिश्रा देते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, जिनको चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी की 14 जनवरी की वर्चुअल रैली आपको याद होगी, वहां पर भारी भीड़ जुटी थी, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को अब सख्त नसीहत दी है। निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को भविष्य में सावधान रहने और पाबंदियों का सख्ती से पालन करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने मौजूदा चुनाव के दौरान पहली बार निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे भविष्य में सतर्क रहने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। 14 जनवरी को जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तब भारी भीड़ जुटी थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर पार्टी से 24 घंटे में जवाब मांगा था।
बात अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां चुनावी हलचल तेज है। चुनावी शंखनाद के बीच हरक सिंह रावत की बगावत बीजेपी खेमे को झटका दे रही है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब की बार 60 का नारा बीजेपी सही कर पाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। उत्तराखंड में टिकटों के बंटवारे से पहले दोनों पार्टियों में उथल पुथल है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। अपने ही मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर किया है और इस वक्त पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने हरक सिंह रावत जी को बेघर कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं, और उनकी जो वो जो एक बड़ी चाल चल सकते थे उससे पहले आपने अपनी चाल चल दी। देखिए, जब तक वो हमारी पार्टी में थे और पार्टी में आए, हमने उनका बहुत हमेशा सम्मान किया और मैं व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी उनको मैंने हमेशा आदर दिया। और जब भी विकास की बात होती थी, कोई बात होती थी, स्थितियां सहज नहीं होती थी, असहज होती हुई भी हमने हमेशा उसमें रास्ता निकाला। हमारी पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, इन सबको कभी हमारी पार्टी ने नहीं अपनाया। हमारी पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर हमारी पार्टी चलती है। और कोई भी व्यक्ति अगर इससे बाहर जाता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उस पर निर्णय करती है। आपको कब लगा कि, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग साथ बैठे थे, लेकिन आपको कब लगा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया, फैसला लेने का वक्त है? और पिछले दो दिन से ऐसा लग रहा है कि वो अब कांग्रेस भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। देखिए, वो आप ही सब लोगों के बीच से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि वो आज कांग्रेस में जाने वाले हैं, आज दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, आज उनका यहाँ संपर्क हुआ, वहाँ संपर्क हुआ, इन्हीं आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। इससे पहले लगातार ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कई और विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सबक भी मिला है बाकी लोगों को, और अब लगता है कि जो बाकी लोगों के जाने की संभावना भी खत्म हो गई। नहीं, कोई नहीं जाने वाला है। देखिए, आज सबको पता है उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हुई है पिछले 5 वर्षों में, और हर क्षेत्र में काम हुआ है। सभी विधायकों के क्षेत्र में भी हुआ है, उत्तराखंड के हर क्षेत्र में हुआ है, इसलिए सारे विधायक जो भी भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस वक्त किस नारे के साथ, किस थीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? और अब क्योंकि एक दो दिन के अंदर टिकटों का ऐलान हो जाएगा, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसको लेकर आप आगे बढ़े? हम लोगों ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उत्तराखंड की सरकार ने जो काम किए हैं, वो किसी अहंकार के दम पर नहीं, किसी अहंकार स्वरूप नहीं, हम अपने काम के आधार पर हमने नारा दिया है। उत्तराखंड की जनता आपकी बात हमको आशीर्वाद देगी, अब की बार हम 60 पार करेंगे, अब की बार 60 पार। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, बीजेपी करेगी, बीजेपी ने किया है और आगे भी करेगी। ये किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। क्योंकि जो भी काम हुए हैं, चाहे आज वो सड़कों की बात करें, चाहे हम आज हवाई सेवाओं की बात करें, या हम रेल सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में, या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जो काम इन 5 वर्षों में, इन 7 वर्षों में हुआ है, वो केवल और केवल बीजेपी के शासन में हो सकता है। और उत्तराखंड के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार केंद्र के साथ चले, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले और कदम ताल करे। एक जो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हरीश रावत लगातार हमलावर हैं कि आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, उसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सच बताऊं तो कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला था, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम चलते रहे, पार्टी की नीतियां चलती रही, विकास के काम कोई प्रभावित नहीं हुए, लगातार चले हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार वो 3 मुख्यमंत्रियों वाली बात उठाते हैं। और आपको लगता है कि अभी जिस तरह से कल कांग्रेस की महिला मोर्चे की अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुई, अभी और इस तरह से लोग आपके साथ आएंगे? और देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में रहकर, सरिता आर्या महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, और उन्होंने कहा कि मैं जो महिलाओं के लिए उत्तराखंड के अंदर काम करना चाहती थी, महिलाओं के लिए जो मैं बात करना चाहती थी, उनके जो मुद्दे मैं लाना चाहती थी, वो कांग्रेस में रहकर वो संभव नहीं हो पा रहा था। हमेशा हमारी आवाज को दबाने का वहां पर काम हो रहा था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। तो ऐसे जो भी लोग जिनकी आवाज आज
दबी है, जिनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, जिनकी आवाज को दबाया जाता है, उन सबके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अब पार्टी संगठन आपके साथ है, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी है, इन अगर 5 महीनों के आपके जो आपका जो कार्यकाल रहा है, क्या आपकी तरफ से कोशिश रही ये जो चेंज बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मैंने कोशिश करी जो भी समय मुझे मिला, हालांकि आप लोगों के बीच से बार बार ये बात आती है कि समय कम मिला, मैं मानता हूं कि समय कम था, लेकिन जो भी समय मिला उस समय में हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया, अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, बच्चों को, 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित किया, और इसमें हमने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए, और केवल फैसले ही नहीं लिए, उनको धरातल पर उतारा है, उन सभी के शासनादेश निकाले हैं, उन सभी पर कार्रवाई की है, उनका वित्तीय प्रबंधन किया है, जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उन सभी का हमने लोकार्पण किया है, जो योजनाएं शुरू की थी उन सभी योजनाओं को पूरा किया है, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए हमने कुछ न कुछ निकालने की कोशिश की है, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है, समझती है, क्योंकि देवतुल्य जनता है, देवभूमि है हमारी, कि हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम दिन रात प्राणोप्राण से काम कर रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी और बड़े बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनाएगी। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? एक बार मैं दोबारा हरीश रावत और हरक सिंह के सवाल पर आता हूं, उन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि अभी भी जो झगड़ा चल रहा था वो खत्म नहीं हो रहा है, तो उसका फायदा आपको, आप बीजेपी को मिलेगा? देखिए, वो उनका अपना मामला है, उनके यहाँ अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि नेता कौन है, वो पहले अपना नेता बताएं कि नेता कौन है, कौन उनके उम्मीदवार हैं। अभी दूर के वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है कि अभी कोई कुर्सी की दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लड़ाई पहले से चालू है, तो इनकी सारी लड़ाई कुर्सी के लिए है, ये उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है, इसलिए हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा एक तरफा उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। कितनी सीट मान रहा है आप? मैंने पहले ही कहा हम अपने काम के आधार पर कह रहे हैं, और ये केवल नारा नहीं है, हमने अब की बार नारा जो दिया है वो साकार होगा, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से साकार होगा, अब की बार 60 पार। एक बात ये भी कही जा रही कि काफी टिकट आपको बदलने पड़ सकते हैं कुछ अपने विधायकों के, उसको लेकर अब क्योंकि टिकट फाइनल होने हैं, क्या कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे? देखिए, जहां तक टिकटों का प्रश्न है, हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, हमने अपने मंडल अध्यक्षों से, मंडल के पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं की हमने राय शुमारी करी है, उसके बाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ राय शुमारी करी है, प्रदेश में हमारी प्रदेश चुनाव समिति ने पूरी समीक्षा की है, उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति में आएंगे सारे नाम, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से सभी नामों पर चर्चा होगी, और जो उस समय में उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त होगा सभी दृष्टियों से, उन सभी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। कब तक उम्मीद करें कि आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि समय लगातार भी कम है? नहीं, तय समय सीमा पर हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर कोरोना मामलों से जुड़ी हुई, देश भर में कोरोना के मामलों में आज भारी इजाफा दर्ज हुआ है। देश में कोरोना के कुल मामले 2,82,970 के स्तर पर पहुंच गए हैं, पिछले दिन की तुलना में यह 18.9% ज्यादा है। कल 2,38,018 नए केस आए थे, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 441 लोगों की जान गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 1,88,157 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब हम आपको राज्यों से आए कोरोना के ताजा आंकड़े दिखा देते हैं, आज इसमें बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। टॉप से महाराष्ट्र हट गया है, कोरोना के डेली केसेस में कर्नाटक सबसे ऊपर पहुंच चुका है। कर्नाटक में कल 41,457 मामले सामने आए थे,
जबकि महाराष्ट्र में अब 39,207 मामले सामने आए, गुजरात में 17,119, केरल में 28,481, तमिलनाडु में 23,888, उड़ीसा में 11,086, वहीं पश्चिम बंगाल में 10,000 के पार, बिहार में 4,737, यूपी में 14,803, दिल्ली में 11,684। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि किस राज्य में कितनी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि उसी हिसाब से ये आंकड़े दरअसल नजर आते हैं। अब हम आपको दिल्ली का कोरोना ग्राफ दिखा देते हैं। हालांकि लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर ये ग्राफ जाता हुआ। 18 जनवरी को 11,684 नए मामले, जबकि ये आंकड़ा 14 जनवरी को 24,383 के स्तर पर था। तभी यहां के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब कोरोना काबू में है, कंट्रोल में है दिल्ली में। हालांकि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब टेस्टिंग कम हो रही है, लोग घरों में ही अपने इलाज को कर रहे हैं। मुंबई में गिरता कोरोना ग्राफ आपको दिखा देते हैं। 14 जनवरी को शुरुआत हुई थी 11,317 मामलों से, उसके बाद 10,661 15 जनवरी को, 16 जनवरी को यह आंकड़ा 7,985, वहीं 18 जनवरी को अब ये घटकर 6,149 के स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि लगातार मुंबई में भी केसेस में गिरावट देखी जा रही है। तभी यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार क्या कोरोना का पीक मुंबई और दिल्ली में आ चुका है। तो कोरोना की सेन देश की सर्वोच्च अदालत में भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित जजों की संख्या अब 10 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 9 दिन से कोरोना पीड़ित जजों की संख्या दोगुनी हुई और इसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच नहीं बैठेगी। कोर्ट कर्मियों में संक्रमण दर 30% से ज्यादा है। मंगलवार को कई जज छुट्टी पर रहे। कुछ जज संक्रमण के बेहद हल्के और मामूली लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद अपने आवास से तमाम एहतियात के साथ सुनवाई में शामिल भी हो रहे हैं। तो 9 दिन में सुप्रीम कोर्ट में कोरोना केसेस की संख्या दोगुनी हो गई है। यहां पर लगातार जजेस और जो कर्मचारी हैं उनमें संक्रमण बढ़ रहा है। आज ये फैसला लिया गया है कि 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठेगी। हालांकि अभी तक जो भी सुनवाई हो रही थी वर्चुअली उसमें जजेस शिरकत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी संक्रमण से अछूता नहीं है, यही वजह है कि 3 बेंच आज नहीं बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला लिया गया है। संक्रमितों की संख्या 10 तक पहुंच गई है, जिसको लेकर यह बड़ा और अहम फैसला। तो 9 दिन में कोरोना केसेस की संख्या दोगुनी हुई है, जिसको लेकर अब तमाम एहतियातन और बचाव किया जा रहा है। 3 बेंच नहीं बैठेगी। इसके अलावा जो जज अभी कम लक्षण महसूस कर रहे हैं वो वर्चुअली शिरकत करेंगे सुनवाई में। पहले भी शिरकत करते रहे हैं जब संक्रमण की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि 3 बेंच हालांकि नहीं बैठेगी। का सितम लगातार जारी है। 13 जनवरी से भयंकर जाड़े का दौर शुरू हुआ था। आज क्या स्थिति है बता रहे हैं आज तक संवाददाता अरविंद ओझा। सड़कों पर अलाव और आग से ठंड को बचाते दिल्ली में सड़क पर मौजूद ये लोग, दिल्ली की फिलहाल यही हकीकत है क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से सुबह के वक्त और शाम के वक्त शीतलहर चलती है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, इस वजह से दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर भी कभी 5 डिग्री, कभी 7 डिग्री तो कभी 8 डिग्री रह रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से दिल्ली वाले ठिठुरते रहेंगे क्योंकि फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है और पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से
मौसम विभाग की माने तो आज जो पारा है दिल्ली का वो तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।